दुकानदार वीर दसिया जा रहा भी अपनिया दुकाना खोलो आप जाप के नाल चलना है किसी ने जल्दबाजी नहीं करनी देखो गल है जी किसानों भी मैं अपील करदा कि वो यहोजा ना करन क्योंकि यह आम गल नहीं हैगी यह एक किसी की जान की आप रख्या की गल आ जाती है ये कोई आम गल नहीं हैगी कि असं जेदा के यहोजा कम करिए नहीं वधिया लगती गल किसानों के भी बड़े पढ़े लिखे बंदे ने मैं यही अपील करूँगा कि उन्होंने भी इस चीज़ का साथ देना चाहिए ना कि आप इस तरह का कुछ करिए ये विचार यो है कि लोगों का बेचारिया का रुजगार बंद किया सरकार चाहिए कि पहला दवाइया लोगों मुहैया कराई जाए ऑक्सीजन खत्म है वो मंगवाई जाए इदा लॉकडाउन करके कोई यदा प्रबंध नहीं है कि लॉकडाउन करके लोगों घर वाड़ दिए तो वो जो थोड़ी बहुत रोटी बेचारे कमा के खा रहे हैं उस तो भी तंग हो जाए समर्थन च खड़न कि मतलब कि उन्होंने समर्थन मतलब खोलोगे दुकाना जब पर सरकार की जिम्मे गाइडलाइनस उन्होंने चलोगे नहीं जी नहीं असी असी किसानों के नाल भी हाँ सरकार के नाल भी खेती कानूनों के विरोध में किसान संघर्ष शामिल पंजाब दियां पत्ती किसान जथेबंदियों ने सूबे में शनिवार से इतवार के लॉकडाउन का विरोध किया जा रहा है और सूबे भर में वख-वख थावां तों खबर आ रही हैं कि किसानों वालों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों वालों दुकानदारों नूं दुकाना खोलण की अपील भी की जा रही है हालांकि वख-वख थावां तों मिली रिपोर्टों के मुताबिक दुकानदारों ने पंजाब सरकार के हुक्मों के मुताबिक ही दुकाना खोलने का फैसला किया है तुम दस दिए कि बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के DGP और सारे डिप्टी कमिश्नर लॉकडाउन के विरोध प्रदर्शन खिलाफ सख्ती करने के हुक्म दिए सन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 32 किसान जथेबंदियां सूबा सरकार उपर शर्तां नहीं थोप सकदियां जेकर लॉकडाउन की उलंघना करके कोई भी दुकान खोली गई तो दुकान मालक उपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने बंदिशों की उलंघना की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी सी यही कारण है कि सूबे के दुकानदारों ने किसान जथेबंदियों का समर्थन तो किया है पर दुकाना नहीं खोलिया हैं किसान आगुओं ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को लुकाने और लोक विरोधी फैसले लेने के लिए लॉकडाउन लगा रही है जे किसी भी दुकानदार को कोई दिक्कत आती है असं उसके बराबर मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ा तो इस बाद पहला लहरा मार्च करा दुकाना खिलावे उस बाद मूनक तो उस बाद खनौरी तिने शहर क्योंकि लहरे पलग के अंडर आने इस करके असं तिने शहर दुकाना खिलाने का सारे शहर निवासियों खड़न का उन्होंने भरोसा देवे वो मीटिंग करी थी जी कल साडा तो उन्होंने संयोग करना बनता है दुकानदार बच्चे तो उन्होंने पाल लेने पर वो सरकार अज सुनिया भी तड़की उन्होंने दबके मारगी पुलिस जबरी दुकाना बंद करा चाहते ने सरकार जिदे का सरकार को लोड़ होंगी है उदे तो इन्हों मेहनत करते हैं दुकानदारों दी भी आके तो पुलिस प्रशासन भी कहिंदा है पर अज पुलिस प्रशासन भी इन्हें जवाक मारन के तुलिया हुआ शहर निवासियों के सरकार भी जवाक मारन के तुली हुई है जे जे इन्हों कोई आमदन ना हुई सवेरे तो लैके शाम तक अपनी आमदन करते हैं हथ रोटी खाने का हल करते हैं जे सरकार के नाल ला के इन्होंने जवाक मरवाने ने अपनी उन्होंने मर्जी है पर असं इन्हों के जवाक बचाने वास्ते इन्हों खड़ा असी तो जी जो भी गौरमेंट दियाँ समय समय से जिला प्रशासन गाइडलाइन ने उस मुताबिक ही अपने कारोबार खोलेंगे साढ़े जिला प्रशासन वालों सा जिला यूनियन वालों यही ऐलान किया गया है भी जो भी गाइड मतलब कि गौरमेंट गाइडलाइन दिंदी है वो साढ़े हितों मुख रख के ही दिंदी है क्योंकि जो कोरोना महामारी है यह बहुत ही भयानक रूप लै चुकी है यह कोई इनू असी मतलब कि इग्नोर नहीं कर सकते असी गौरमेंट दियाँ जो भी गाइडलाइन समय समय पर आने असी उस मुताबिक ही अपने कारोबार खोलेंगे मैं बलविंदर सिंह रवाल जमहूरी किसान सभा जिला प्रधान जो संयुक्त मोर्चे वालों एक मैसेज लगा वा कि जिहड़ा कोरोना सरकार ने फैलाया वा ये वड्डी बीमारी का नाम लै के मजदूरों के किसानों के उत्ते बहुत वड्डा घुबाड़ा चलाया जा रहा वा जदों के किसान ते मजदूर अपना कारोबार कर रहे उन्होंने कारोबार ठप करके उन्होंने भुख्या मारन करके ये काम चलाया जा रहा वा जिदे संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया गया कि जिहड़ा लॉकडाउन आ एक बहाना बनाया गया इन्हू बंद कराया जाए तो जिहड़ियां शहर दियां दुकानां वा जिहड़े मजदूर दिहाड़ी ते जांदे आ वो अपने कारोबार ते जाण
इस तहत अज किसान जथेबंदियां फतेहगढ़ चूड़िया में अं वक् वक् जथेबंदियों के इकट्ठे हो के ये अज फैसला किया संयुक्त मोर्चे उत्ते कि फतेहगढ़ चूड़िया बाजारा खुलाया जाएगा। जे सरकार कोई सख्ती करती है वह डट के मुकाबला किया जाएगा कि आने वाले समय जे मजदूर आ जिन्होंने दिहाड़ी करके अपना परिवार पालना वा उन्होंने ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना कारोबार करो ता जो कि भुखमरी ना मरो करोना का ना ही मर सकता भुखमरी ना मरन का डर आ। इस जी सरकार आ जान बुझ के किसानों के मजदूर के दुकानदार डंडा फेर रही है यदा अं बाहर तर प्रसार नहीं करा ये सख्ती नोट्स ला। देखो जी अभी मन रहे हैं बीमारी हैगी पर पंजाब सरकार ने मुआवजी प्रबंध की किया आ जो साढ़े पंजाब के दुकानदार भरा ने जदों तो बत्ती किसान जथेबंदियां संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है उदों तो साढ़े दुकानदार भरावों ने साडा बड़ा ही साथ दिता हर पक्षों साथ दिता अज साढ़े इन भरावों की रोटी खोई जा रही है लॉकडाउन के नाते देखो घर ताड़ के बीमारी खत्म नहीं हो सकती बीमारी जी इलाज ना खत्म होनी है इलाज दिता नहीं जा रहा तो आप दिन कमजोरिया छुपाने लॉकडाउन ला के इन भरावों की रोटी खोई जा रही है किसी ने दुकानदार किराए से लई हुई है किसी ने कर्जा चुक के दुकान चला रहा कोई कर्जा चुक के रेहड़ी चला रहा उन्होंने बिजनेस बंद करा जा रहा असी पंजाब दिया बत्ती किसान जथेबंदियों इस कैप्टन का ताना जिहड़ा कैप्टन है जिहड़ा मोदी दे नाल रलिया होया मोदी इस तानाशाही तोड़ते हुए ये लॉकडाउन तोड़ के आपके भरावों दुकाना खिलावे जे पुलिस प्रशासन अज भी सानू पता लगे असल चो कहते पांच छह गेड़े मार के गया जे दुकाना खोलियां तो तुहाडे परचे करांगे असी ऐलान करते हैं पंजाब दिया बत्ती किसान जथेबंदियों वालों जे साडे दुकानदार भरावों के परचे होणगे असी इन्हां दे थाने घेर के बैठांगे एस एस पी के दफ्तर घेर के बैठांगे डीसी के घर घेर के बैठांगे आपके दुकानदार भरावों जे साडे भरा ने जिन्हां दा साडे बिना नहीं सरदा ते साडा इन्हां बिना नहीं सरदा किसानां दी भी किसान जे किसान साडे नाल है असी किसानां दे नाल तो फिर सरकार तो कहती है भी ना खोलो वीकेंड लॉकडाउन होना है सरकार तो हम की कह सकते हैं सरकार तो पहले थोड़े जे रूल्स सही करने पैने सरकार को थोड़े जे रूल्स अभी सरकार के नाल अभी यही कहते अभी सरकार के नाल नहीं अभी सरकार के नाल पर प्रॉब्लम यह तुम जे चार दुकाना खुलिया है तो दो दुकाना और खुलने की प्रॉब्लम आती है मैं एक गल समझाओ जे तुम एक कस्टमर पूरा अलाउ कर रहे हो भी कस्टमर तुम बाजार जाना है तो फिर वो कस्टमर बाजार जाएगा साढ़े को नहीं किसी होर को लै जाएगा होर को नहीं किसी होर को लै जाएगा मतलब वो सिस्टम यह विचार यो है कि लोगों का बेचारिया का रुजगार बंद किया सरकार को चाहिए है कि पहला दवाइया लोगों मुहैया कराई जान ऑक्सीजन खत्म है वो मंगवाई जाए इदा लॉकडाउन करके कोई यदा प्रबंध नहीं है कि लॉकडाउन करके लोगों घर वाड़ दिए तो वो जरा थोड़ी बहुत रोटी बेचारे कमा के खा रहे उस तो भी तंग हो जाए यो मकसद आ अज यो लोगों फील करना चाहते हैं हाँ जी यो अपील करना चाहते हैं जिन्हें दुकाना खोलन साढ़े नाल अडे नाल दुकानदारा के अं उस दुकानदार डरे हुए भी साढ़े तो परचे होने मुड़ कल भुगतन कौन तैयार होगा असं उन्होंने कहा ही भी जे परचे हो पहला साढ़े तो होने पर हूँ नहीं दुकानदार साथ दे रहे तो ठीक है जी उन्होंने मर्जी आ पर अं उन्हों का देवे जो दें मतलब खोलते ठीक है मेरे हिसाब न कोई भी दुकानदार नहीं आया जी साढ़े नाल की ना थोड़ा अजैब सिंह डेकोरेशन से भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल जिला प्रधान जी देखो जी आ सारे बाजार तुम कैमरा घुमा के वेख लो तुम शहर के रहने वाले जो वेखे ही है दुकानदार साढ़े नाल आ प्रशासन के नाल आना प्रधान भी कल आए ही होर भी जिम्मेवार बंदे आए उन्होंने जो प्रॉब्लम हैगी वो सॉल्व डीसी साहब ने करती जिमें कपड़े दुकाना बंद ही वो भी खिला दी उस तो बाद जो लॉकडाउन है ये अपना सारे का साझा काम ये कोई परसनल किसी के नुकसान वास्ते नहीं फायदे वास्ते आ लोगों के बच्चे आ बजुर्ग आ लोग आ महामारी आ जे मान लो महामारी इतने हो जाती है किसी कारण लॉकडाउन की लंघना करते हैं तो फिर चंगी गल थोड़ी होगी मान लो कोई कोरोना कारण किसी की मौत होंगी वो चंगी गल थोड़ी होगी ये करके इन्होंने तो साथ देना चाहिए पब्लिक सिटी करके जान के ही कह दें इन्हों दुकानदार तो किसी कहा नहीं कि अपने तौर पर कह रहे जी दुकाना खोलो दुकाना दुकानदार फिर भी वेख लो कोई दुकान के मोहरे नहीं है ना कोई दुकान खुलने लिए है साढ़े नाल दुकानदार प्रशासन का साथ दे रहे हैं यहोजी कोई दिक्कत नहीं है लॉकडाउन के संगरूर तो मनोज मेहता फिरोजपुर तो बॉबी खुराना तरन तारण तो जसबीर सिंह लड्डू के नाल फतेहगढ़ चूड़िया तो रमेश सोनी की रिपोर्ट पंजाब टूडे।